नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। आज के इस व्याख्यान सीरीज में हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सीटेट एग्जाम में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिससे प्रत्येक एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं लैंग्वेज एवं थॉट, भाषा एवं चिंतन की, एक ऐसा विषय जो आज भी शोध का विषय बना हुआ है कि भाषा द्वारा चिंतन निर्धारित होता है या चिंतन से भाषा निर्धारित होती है, या भाषा का विकास कैसे होता है, चिंतन की प्रक्रिया कैसे है। इन्हीं सारी प्रश्नों को लेकर हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे कि लैंग्वेज एवं चिंतन क्या है। अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से अपलोडेड होने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम लोग भाषा की बात करें, लैंग्वेज क्या है। भाषा को संचार का तंत्र कहा गया, जिससे व्यक्ति अपने भावों, विचारों तथा अभिव्यक्तियों को दूसरे तक पहुंचाता है, यानी कि दूसरों से कम्युनिकेशन करने के लिए, दूसरों से अंतःक्रिया करने के लिए भाषा ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे की बातों को हम समझ सकते हैं। यानी कि हमें एक दूसरे से अंतःक्रिया करने के लिए भाषा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तब आवश्यक हो जाता है कि हम ये समझें कि भाषा किस तरह से निर्मित होती है या भाषा कैसे बच्चा सीखता है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये दोनों बहुत ही घनिष्ठता से एक दूसरे से संबंधित हैं। इसीलिए सीटेट के एग्जाम में विभिन्न तरह के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों को पढ़ने के पश्चात ही लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ा जा सकता है। और भाषा विकास को या भाषा और चिंतन को अगर आपको अच्छी तरह समझना है तो आवश्यक है कि आप संज्ञानात्मक विकास के उन सिद्धांतों को पढ़ चुके हों जो इन सभी बातों को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, वाइगोत्स्की का, कोहलबर्ग तथा ब्रूनर, इन सभी सिद्धांतों को अगर आप पढ़े हैं तो आप अवश्य ही संज्ञानात्मक विकास क्या होता है या संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं क्या होती हैं आप समझ पाएंगे कि किस तरह से जो हायर मेंटल प्रोसेस होते हैं वह पर्यावरण से सूचनाओं को ग्रहण करके उसको किस तरह से संसाधित करते हैं और कैसे सोच पाते हैं। इसी संसाधित करने की प्रक्रिया को ही यहाँ पर चिंतन का नाम दिया जाता है, थिंकिंग का नाम दिया जाता है। तो अगर आपने उन सिद्धांतों को पढ़ लिया है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं पढ़ा है तो अवश्य ही पहले उन सिद्धांतों पर ध्यान दें, उन सिद्धांतों को पढ़ें। और उन सारे सिद्धांतों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर वो सारे सिद्धांत देख सकते हैं। आइए हम बात करें कि शुरुआती दौर में लैंग्वेज का विकास बालक में कैसे होता है, किस तरह से भाषा विकसित होती है और किस तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप देखेंगे जब बच्चा धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा होता है तो उसमें जब फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ती है, जो फिजिकल विकास होता है वह जब बढ़ता है तो वह सबसे पहले क्या करता है, जब वातावरण से इंटरेक्ट होता है तो वह लिसनिंग करता है, सुनता है चीज़ों को, सुनने के बाद वह उसे दोहराने का प्रयास करता है, स्पीक करता है और फिर रीडिंग करना प्रारंभ करता है, तब जाके राइटिंग करना। यानी कि डेवलपमेंट की ये चार मुख्य स्टेप्स हैं कि पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और तब लिखता है। अब आप ध्यान दें तो दो ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो लिसनिंग एंड रीडिंग, जो ग्रहणीय स्किल है यानी कि ग्रहण की जाती है, जबकि ये दोनों स्किल
यानी कि स्पीकिंग और राइटिंग क्या की जाती है, उत्पादन की जाती है या अभिव्यक्ति की जाती है, यानी कि यह क्या प्रोडक्टिव स्किल है जबकि वह ग्रहणीय स्किल है, ग्रहणीय क्षमता है, वह सूचनाओं को ग्रहण करती है और स्पीक एंड राइटिंग यह क्या करती है प्रोडक्टिव स्किल है, यानी कि जो भाषा है उसका प्रोडक्शन करती है या उसकी अभिव्यक्ति करती है। इसे आप शॉर्ट में LSRW कह सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका शॉर्ट फॉर्म LSRW। इससे भी क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। अब अगर आप कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान दें तो आप देखेंगे संज्ञान उन सभी मानसिक प्रक्रियाओं की ओर इंगित करता है जो सूचनाओं को ग्रहण करता है और उसे संसाधित करता है। तो अब आप इस पर ध्यान देंगे तो जो ग्रहण करने की यानी कि पहले लिसनिंग और रीडिंग करता है और फिर उनका संसाधन करता है, यानी मस्तिष्क में उसका एक प्रोसेसिंग चलती है, उसी प्रोसेसिंग को ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा गया। इन बातों को समझने के पश्चात हम अब ध्यान दें कि वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लैंग्वेज को प्रभावित करते हैं, भाषा को प्रभावित करते हैं या थॉट को प्रभावित करते हैं, आपके चिंतन को प्रभावित करते हैं। आप उन सिद्धांतों पर भी ध्यान देते रहना जो संज्ञानात्मक विकास को एक्सप्लेन करते हैं या संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत हैं वो क्या कहते हैं। तो सबसे पहली जो फैक्टर्स है, कारक है जो चिंतन और लैंग्वेज को प्रभावित करता है, वह फिजिकल फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर हैं या जैविक फैक्टर आप कह लीजिए। आप जीन पियाजे के सिद्धांत पर अगर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि उन्होंने चार प्रकार के ऐसे प्राथमिक कारक बताएं जो संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण है। और जब से उन्होंने जो सबसे पहला कारक बताया वो जैविक परिपक्वता ही बताया, यानी कि फिजिकल मैच्योरिटी अगर बच्चे में नहीं आएगी तब तक वह किसी चीज को नहीं सीख सकता है। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जब भाषा का विकास होता है या चिंतन का विकास होता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर बायोलॉजिकल फैक्टर है या जैविक फैक्टर है। पियाजे का मानना था कि बालक एक निश्चित विकास के क्रम में चलता है और उसमें जैसे जैसे शारीरिक विकास होता है वह चीजों को सीखता है। इसी आधार पर उन्होंने चार स्टेज दिए, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल तथा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और प्रत्येक स्टेज में उन्होंने फिजिकल डेवलपमेंट के आधार पर संज्ञान को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। तो यानी कि अगर लैंग्वेज का विकास अगर आपको जानना है तो यह आवश्यक है कि उनमें जैविक परिपक्वता कितना आई है, यानी कि उनका फिजिकल मैच्योरिटी यानी कि उनका विकास कितना हुआ है। क्योंकि जो भाषा सीखना और प्रोसेसिंग करने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारे मस्तिष्क के निश्चित भाग में होती है। हमारे मस्तिष्क को दो हेमिस्फीयर में बांटा गया है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। तो लैंग्वेज का जब सर्वाधिक जो विकास होता है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में होता है, क्योंकि यही पर वर्निक एरिया और ब्रोका एरिया पाई जाती है। इन पर हम विस्तृत अध्ययन एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, जहां पर बायोलॉजिकल बेस्ड ऑफ बिहेवियर पढ़ेंगे कि व्यवहार के वो कौन से आधार हैं जैविक जो विभिन्न तरह के क्रियाओं को या व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो केवल ह्यूमन मस्तिष्क में ही एक संरचना पाई जाती है, हमारे मस्तिष्क में एक संरचना पाई जाती है जिसे लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। उस लिम्बिक सिस्टम में अनेक ऐसी संरचनाएं होती हैं जो हमारे विचारों को, हमारे भाषा को निर्धारित करती है। अगर विकास के दौरान, बालक के विकास के दौरान यानी इनमें किसी प्रकार की अगर कमी आ जाती है तो बालक भाषा सीखने में अक्षमता महसूस करता है या संज्ञानात्मक विकास उसका अवरुद्ध हो जाता है। तो आवश्यक है कि भाषा और चिंतन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर अगर माना जाए तो वह जैविक फैक्टर है, यानी कि शारीरिक विकास
दूसरे फैक्टर्स की बात करें, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण फैक्टर है उसे हम सोशल एंड कल्चरल फैक्टर कहेंगे। आप इसको भी नहीं नकार सकते क्योंकि हर बालक किसी न किसी संस्कृति तथा समाज का सदस्य होता है और सामाजिकरण के दौरान ही वह विभिन्न तरह के संज्ञानात्मक कारकों को सीखता है या विभिन्न तरह के भाषा को सीखता है, विभिन्न तरह के अंतःक्रिया करने की जो प्रक्रिया है, अंतःक्रिया करने के जो तरीके हैं उन्हें सीखता है और उसी सामाजिक और कल्चरल फैक्टर्स में ही भाषा का विकास होता है। अगर आप ध्यान दें वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर, जिन्होंने सोशल कल्चरल विकास का सिद्धांत दिया, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया पियाजे के आलोचना करने के पश्चात, उन्होंने अनिवार्य रूप से माना कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास संस्कृति द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होता है। जबकि वहीं आप देखेंगे पियाजे का मानना है कि नहीं, वह फिजिकल मैच्योरिटी से ज़्यादा प्रभावित होता है। इन दोनों बातों पर ध्यान देते हुए हम इस दूसरे फैक्टर्स की महत्ता को समझेंगे कि जब हम किसी भी समाज के सदस्य होते हैं और उस समाज में विकसित होते रहते हैं तो अवश्य ही उस समाज के साथ इंटरैक्ट होते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। सबसे पहले अपने परिवार में अपने माँ से जिस तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, जिस तरह के लैंग्वेज बोली जाती हैं, हम उस लोकल लैंग्वेज को सबसे पहले सीख लेते हैं। तो अवश्य ही आप कहेंगे कि जो लैंग्वेज को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें सोशल और कल्चरल फैक्टर सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। जब बच्चा बड़ा होता है, अपने परिवार से, अपने समाज से बाहर निकलता है, विद्यालय जाता है, तब वह अपनी लोकल लैंग्वेज से हटकर एक सर्वमान्य भाषा पर विचार करता है या उसे सीखता है। लेकिन उस सर्वमान्य भाषा को सीखने का जो आधार होता है वो अवश्य ही उसकी लोकल लैंग्वेज होती है, मदर टंग होती है। इसलिए आप अवश्य ही इस बात को नकार नहीं सकते कि भाषा विकास में सोशल कल्चरल फैक्टर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। अब हम तीसरे फैक्टर्स की बात करें जो शैक्षिक कारक कहे जाते हैं, एजुकेशनल फैक्टर कहे जाते हैं, वह भी भाषा और विकास को निर्धारित करने में या उसके विकास में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। क्योंकि एक अच्छी शिक्षा से एक अच्छे विचार का निर्माण हो सकता है, अच्छी लैंग्वेज कम्युनिकेशन आ सकती है, दूसरे के साथ बेहतरीन अंतःक्रिया करने की क्षमता आ सकती है। तो अवश्य ही आप कह सकते हैं कि जो शैक्षिक कारक हैं वह भी भाषा और थॉट को प्रभावित करने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए हम बात करते हैं कि वह कौन कौन से नियम हैं, वह कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो भाषा को निर्धारित करते हैं, यानी कि रूल एंड स्ट्रक्चर फॉर डिटरमिनिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज को कौन कौन से नियम हैं जो निर्धारित करते हैं कि लैंग्वेज किस तरह से विकसित या लैंग्वेज का निर्धारण किस तरह से होगा? क्या ऐसे कोई रूल हैं या कोई नियम है जो विभिन्न संस्कृतियों में लागू होते हैं? आइए हम देखते हैं कि ऐसे मुख्य रूप से चार नियम देखे गए हैं। ये चार नियम हैं फोनीम, मॉर्फीम, सिंटेक्स एंड सेमेंटिक। ये चार ऐसे नियम हैं जो लैंग्वेज को निर्धारित करते हैं, भाषा को निर्धारित करते हैं। फोनीम जो भाषा की सबसे छोटी इकाई और अर्थहीन इकाई होती है, यानी कि भाषा की अर्थहीन इकाई सबसे छोटी इकाई फोनीम कहलाती है। जबकि मॉर्फीम भाषा की अर्थपूर्ण सबसे छोटी इकाई कही जाती है। और फोनीम और मॉर्फीम को अगर निश्चित नियम द्वारा अगर जोड़ दिया जाता है तो सिंटैक्स का निर्माण होता है, यानी वाक्य विन्यास। और वाक्य विन्यास को निश्चित रूल्स द्वारा जब हम
संयोजित कर लेते हैं तो सेमेंटिक यानी कि वाक्य का निर्माण होने लगता है जो अर्थ प्रदान करने लगता है और उसी के आधार पर हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। आइए इन रूल्स को और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए इन पर हम विचार करें तो फोनीम यानी ध्वनिग्राम, मॉर्फिम यानी रूपग्राम, सिंटेक्स वाक्य विन्यास और सेमेंटिक अर्थ विज्ञान। ध्वनिग्राम की बात करें तो यह सबसे छोटी बोली जाने वाली इकाई है जो ध्वनि निकालती है, जैसे टी, थ, के, यानी कि एक ऐसे शब्द, एक ऐसे ध्वनि जिसका कोई अर्थ तो नहीं होता है लेकिन बगैर इसके हम रूप ग्राम का निर्माण नहीं कर सकते हैं, यह अर्थहीन होता है। वर्नर ने अंग्रेजी में कुल 45 ध्वनिग्राम बताए। इसी तरह से सभी लैंग्वेज में कुछ फोनीम हुआ करते हैं और उन्हीं फोनीम को संयोजित करके हम मॉर्फिम का निर्माण करते हैं, यानी कि जब ध्वनिग्राम को आपस में शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय के साथ संयोजित कर लिया जाता है तो उसे रूपग्राम कहते हैं, जैसे हॉट, रेट। आप देखेंगे कि इनमें तीन तीन ध्वनिग्राम हैं और इनसे एक निश्चित अर्थ निकल कर आता है, मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है। तो हमारे संज्ञान में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि प्रोसेसिंग करने के लिए, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को या चिंतन करने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण इकाई है कि फोनीम एक अर्थपूर्ण इकाई होना चाहिए क्योंकि उसी के आधार पर हम चिंतन करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। यह सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है। बात करें वाक्य विन्यास की तो यह ऐसा तंत्र जो निर्धारित करते हैं कि व्याकरण में वाक्यों के निर्माण में शब्दों का उपयोग कैसे करें। वाक्य की संरचना दो तरह की होती है, सतही संरचना और गहरी संरचना। इसमें हम अक्षरों शब्दों को बोलते हैं जबकि उनका अंतर्निहित अर्थ समझते हैं। अब जो सबसे ऊपरी नियम होता है वह अर्थ विज्ञान का होता है, व्यक्ति रूप ग्राम तथा वाक्य विन्यास से अर्थ कैसे निकालता है ये अर्थ ग्राम निर्धारित करता है और अंत में हम सभी स्ट्रक्चर को एक साथ जब बोलने लगते हैं तो वो अर्थ ग्राम होता है। यानी कि ये चार ऐसे रूल्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं जो लैंग्वेज को निर्धारित करते हैं। आइए भाषा को समझने के पश्चात हम चिंतन पर बात करें कि चिंतन क्या है। चिंतन का तात्पर्य उन सभी मानसिक प्रक्रियाओं से है जिसमें प्राप्त की गई सूचनाओं का संसाधन किया जाता है जो विभिन्न समस्याओं के समाधान से जुड़ी हुई है। यानी कि चिंतन क्या है कि जब हम विभिन्न तरह की जो सूचनाएं हमें प्राप्त हैं उसके बारे में हम परिकल्पना निर्मित करते हैं, उसके बारे में हम एक तरह की समस्या समाधान के बारे में सोचते हैं तो वही चिंतन होता है। कि यानी कि किसी समस्या के बारे में मस्तिष्क में की गई क्रियाएं ही चिंतन कहलाती हैं। यानी कि मस्तिष्क में जो हम प्रोसेसिंग करते हैं किसी समस्या के समाधान के लिए, जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, जो परिकल्पना निर्मित करते हैं उसे ही हम चिंतन का नाम देते हैं, थॉट का नाम देते हैं। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि बालक किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए जो मस्तिष्क में प्रोसेसिंग करता है, जो थिंकिंग करता है उसी को थॉट का नाम दिया जाता है। 3 × 3 = 9 अगर होता है तो √9 क्या होता है। अगर इन सारी प्रक्रियाओं की हम ध्यान से देखें तो यह एक चिंतन की प्रक्रिया होती है। अब जो सबसे अहम मुद्दा या जो सबसे प्रभावकारी मुद्दा ये है कि क्या चिंता भाषा को निर्धारित करती है या भाषा चिंता को निर्धारित करती है, इस पे मनोवैज्ञानिकों द्वारा बहुत ही गहन अध्ययन किया गया कि क्या भाषा विचारों को निर्धारित करती है या हमारे विचार और विश्वास हमारी भाषा को निर्धारित करते हैं। इसी पर विभिन्न तरह के ये संज्ञानात्मक सिद्धांत विकसित हुए और अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। इसी के संदर्भ में वाइचास्की चोमस्की एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने भाषा पर बहुत ही गहन अध्ययन किया और उसके पहले भाषा पर किए गए सभी अध्ययनों का
बहुत विस्तृत अध्ययन कर उन्होंने एक नए सिद्धांत को दिया, एक नए विचारधारा को प्रस्तुत किया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह हम इसके अगले व्याख्यान में अच्छी तरह से देखने का प्रयास करेंगे और वहीं हम ये भी देखेंगे कि भाषा का विकास के जो क्रम होते हैं, स्टेजेज होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो हम लोग इसके अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यानी नॉम चॉम्स्की एंड स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, ये हम इससे अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्होंने ऐसे कॉन्सेप्ट, बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं जिस पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। सीटेट में तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन यूजीसी नेट और बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसमें वहां से प्रश्न अवश्य ही बनते हैं। और ये हम बात करें कि भाषा विचारों को निर्धारित करती है या विचार भाषा को निर्धारित करते हैं। आप देखेंगे कि जो बहुत सारे संस्कृति हैं, समाज हैं, उसमें बोलने का जो तरीका है, जो लैंग्वेज के तरीके हैं, वो बहुत भिन्न भिन्न हैं। आप यही तीन शब्द को देखें, यू, तुम, आप, इन तीनों का अर्थ तो एक ही है, लेकिन आप अगर विभिन्न संस्कृतियों में बात करें इनका, या कम्युनिकेशन की बात करें, या बोलने के भाव में बात करें, तो अगर इनके भाव में अगर थोड़ी सी भिन्नता कर दी जाए, या बोलने में थोड़ा सा उतार चढ़ाव कर दिया जाए, या भिन्न संस्कृतियों में इसे बोला जाए, तो अवश्य ही इन तीनों के अर्थ में भिन्नता हो जाती है, इनके सोचने में भिन्नता हो जाती है, इसके पीछे जो विचार यो थिंकिंग होती है उसमें भिन्नता पाई जाती है। इसी आधार पर एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, भाषा नियतवाद, जिसे वोर्फ हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, कि भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, वरन विचार के स्वरूप को नियंत्रित करने वाली है। इस परिकल्पना को सापिर वोर्फ परिकल्पना कहा गया। यह भी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब आइए जो मुख्य विवाद का विषय है कि भाषा और विकास सबसे पहले क्या होता है, क्या विकसित होता है, या किसके द्वारा क्या निर्धारित होता है, इस पर हम बात करें पियाजे और वाइगस की। इन्हीं दोनों से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, भाषा और विकास की, कि पियाजे ने क्या कहा और वाइगस की ने क्या कहा अपने सिद्धांतों में। पियाजे का मानना है कि पहले विचार आता है तत्पश्चात, यानी कि पियाजे कहते हैं कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। क्योंकि इनके सिद्धांत पर आप ध्यान दें तो यह फिजिकल मैच्योरिटी को पहले वरीयता देते हैं, उसके बाद सोशल इंटरेक्शन को वरीयता देते हैं। ये कहते हैं कि पहले बच्चा देखता है कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है, तब उसको बोलता है। जैसे पशु अगर कुत्ता देखता है तो पहले कुत्ते का विचार उसके मन में आता है, तब वो बोलता है कि कुत्ता या डॉग है। यानी कि विचार पहले आता है, उसके पश्चात भाषा आती है। जबकि वाइगोत्स्की का मानना है कि पहले भाषा विकसित होती है, तब विचार विकसित होता है। अब वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो यह सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अपने सिद्धांत को विकसित करते हैं और कहते हैं कि बालक जन्म से ही भाषा का सीखने लगता है, जन्म के से ही उसके संज्ञानात्मक विकास होने लगता है और वह समाज से इंटरेक्ट होता है। यानी कि वह यह मानते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भाषा सीखी जाती है, इसलिए भाषा का विकास पहले होता है, उसके बाद विचार या चिंतन होता है। यानी कि पहले बालक ये देखता है कि वह डॉग है, यानी कि भाषा आती है कि डॉग, तब उस पर विचार करता है। बात करते हैं दूसरे जो डिफरेंट है। पियाजे मानते हैं कि विकास पर भाषा प्रभाव नहीं पड़ता, यानी विकास पर भाषा का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि विकास से भाषा आती है। आप ध्यान दें इनके चार स्टेज, सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल तथा फार्मर ऑपरेशनल स्टेज। तो इनका जो मानना था वो ये कि प्रत्येक अवस्था में एक निश्चित शारीरिक विकास होता है, उस विकास के कारण ही संज्ञानात्मक विकास होता है।
यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट के कारण ही संज्ञानात्मक विकास होता है। अगर बालक तीसरी अवस्था में अगर भाषा का विकास होता है तो पहली अवस्था में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर उसकी शारीरिक मैच्योरिटी जो फिजिकल विकास है वो नहीं हो पाया है, क्योंकि वह सेंसरी मोटर स्टेज में केवल और केवल सेंस ऑर्गन्स के द्वारा कुछ एक्टिविटीज कर पाता है, कुछ क्रियाएं कर पाता है। इसलिए पियाजे का मानना है कि विकास पर भाषा का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि जैसे जैसे विकास होता है उसी के आधार पर भाषा विकसित होती है। जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं भाषा का विकास जन्म से ही समाज और संस्कृति द्वारा होता है। उन्होंने अपने सिद्धांत में इस बात को स्पष्ट किया है कि जो भाषा का विकास होता है जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। अगली बात जो पियाजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के लिए एक निश्चित शारीरिक विकास की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं उनके स्टेजेज में कि प्रत्येक स्टेज में एक निश्चित संज्ञानात्मक विकास होता है, और वो मानते हैं कि पहले स्टेज में विकास होने के पश्चात ही दूसरे स्टेज पर जाया जा सकता है, और दूसरे स्टेज पर संज्ञानात्मक विकास के बाद ही तीसरे स्टेज पर जाया जाता है। यानी कि वह मानते हैं कि जो भी संज्ञानात्मक विकास हैं वो शारीरिक विकास के आधार पर ही होते हैं, जबकि वाइगोत्स्की मानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा आवश्यक है, यानी कि भाषा को बाद में महत्ता देते हैं और संज्ञानात्मक विकास को पहले महत्ता देते हैं। इसके बाद पियाजे ने कहा कि आत्म केंद्रित भाषा यानी इको सेंटर्ड स्पीच, जिसमें बालक अपने में ही बातचीत करता है, अपने में ही बोलकर खेलता है या बात करता है, आप उसकी तीसरी स्टेज में देखेंगे, तो अहम केंद्रित भाषा इगोइस्ट स्पीच की बात की इन्होंने। जब बालक स्वयं में बातचीत करता है या अहंगवाद डेवलप होता है इसमें, तो इन्होंने इसको बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है। जबकि वाइगोत्स्की के थ्योरी पर अगर आप विचार करें तो इन्होंने भाषा के तीन स्तर बताए। आप देख सकते हैं कि ये भाषा के तीन स्तर इन्होंने बताया, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच तथा इनर स्पीच। और इन्होंने निजी भाषा यानी प्राइवेट स्पीच को बहुत ही महत्वपूर्ण मांगा भाषा के विकास में, क्योंकि बालक यहाँ पर क्या करता है, अपने व्यवहारों को निर्देशित करता है इस अपनी निजी भाषा के द्वारा। और ये मानते हैं कि इस अवस्था में क्या होता है, निजी भाषा में बालक बोल बोल कर खेलता है। आप देखे होंगे बच्चों को, जब बच्चे खिलौना खेलते हैं तो आपस में बात करते हैं, बोल कर बात करते हैं कि ऐसा किया जाए, ये किया जाए, ऐसे खिलौना बनाया जाए, ऐसे पिरामिड बनाया जाए, ये सारी चीजें आप देखते हैं। और ये बताते हैं वाइगोत्स्की का कहना है कि यह निजी भाषा क्या होता है, उनके चिंतन को निर्देशित कर रहा होता है, उसके व्यवहार को निर्देशन प्रदान करता है, एक निश्चित दिशा देता है, इसलिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप वहीं इनर स्पीच की भी बात करेंगे तो इन्होंने कहा कि जो इनर स्पीच है वही निजी भाषा ही आगे चलकर जब विकास और आगे बढ़ता है तो निजी भाषा ही इनर स्पीच का रूप ले लेती है, और वह जो बोलकर बातें कर रहे थे अब वह मन में बात करने लगते हैं, और वह अवश्य ही भाषा और विकास संज्ञानात्मक विकास को निर्धारित करता है। वाइगोत्स्की ने एक बात और कही कि बच्चों में शुरुआती समय में यानी 0 से 2 वर्ष तक भाषा और विचार दोनों स्वतंत्र होते हैं तथा उनके उसके बाद धीरे धीरे ये पास आते हैं, और किशोरावस्था तक आते आते ये दोनों एक में मर्ज हो जाते हैं, एक में हो जाते हैं, यानी कि भाषा और चिंतन दोनों एक साथ हो जाते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि लैंग्वेज और थॉट 0 से 2 वर्ष में अलग अलग हैं, ये देख लीजिए। जबकि यही हम बात करें कि 2 से 7 वर्ष में जो लैंग्वेज और थॉट है वो पास तो आ जाते हैं लेकिन समाहित नहीं होते हैं, लेकिन 7 वर्ष के बाद आप देखते हैं कि लैंग्वेज और थॉट एक साथ संयुक्त हो जाते हैं। अवश्य ही आपको ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। आपको यह व्याख्यान कैसा लगा कमेंट में अवश्य ही बताएं, यदि कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट में बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।